आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। जगह जगह जैन समाज के लोग इस बात से आंदोलित हैं कि सम्वेद शिखर जी, जो उनका पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां से 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है, यानी महापरिनिर्वाण, उस जगह विकास का नाम लेकर जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, उसे सारे लोग नाराज़ हैं। हमारे साथ हैं जैन भजनों के मशहूर गायक रुपेश जैन जी, और उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने कई सारे भजन लिखे भी हैं और गाए भी हैं। रुपेश जी से हम मिलते हैं। रुपेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आप इंदौर से आए हैं यहाँ पर सॉलिडरिटी जताने के लिए कि आप सब एक साथ हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपने कौन सा, आपने विचारों को किस कविता में ढाला है और किस तरह से आपने उसको गाया? देखिए, जिस दिन से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पूरे जैन समाज को जगाने का काम हमारे संजय भैया ने किया था, और इनके माध्यम से जब मुझे मालूम हुआ कि सरकार के द्वारा एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें सम्मेद शिखर पर्वत को इको सेंसिटिव जोन या वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जा रहा है, तो सारे जैन समाज को संगठित करने के लिए कुछ पंक्तियां हमने लिखी थी। जागो चेतो उठो जैनियों, हो जाओ तैयार। जागो चेतो उठो जैनियों, हो जाओ तैयार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दो जा गिरनार। उठा लो कसम सभी ये, न होने दोगे कभी ये। देख रही है फिर से मूक दर्शक बनकर सरकार। देख रही है फिर से मूक दर्शक बनकर सरकार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दो जा गिरनार। उठा लो कसम सभी ये, न होने दोगे कभी ये। तो बस ये पंक्तियाँ थी, एक पूरा गीत है जिसने पूरे जैन समाज को कहीं ना कहीं जगाने में अपना थोड़ा एक योगदान दिया है। आपको लगता है कि थोड़ी देर हुई है इस मामले में आंदोलन करने में या सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में? मुझे लगता है अब की बार हम सही समय पर जागे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे गिरनार जी पर अतिक्रमण हुआ और आज की तारीख में लगभग हम उसको खो चुके हैं, हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ दर्शन नहीं कर सकते, अपने द्रव्य नहीं चढ़ा सकते, उस समय जागने में हमने देरी की। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ संजय भैया का, इस बार हमने देरी नहीं की है। जैसे ही गजट पास हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसी दिन से हमारे संजय भैया पूरे देश को जगाने में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी है सब हो रहा है, और सरकार तक बात पहुंची भी है। अब ये ज़रूर देखना है कि सरकार की प्रतिक्रिया कब तक आती है और कब तक वो जैनों के हित में सोचकर अपना निर्णय बदलते हैं या उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जिससे हमारा सम्मेलन शिखर असुरक्षित ना रहे। इसमें आपको लगता है कि दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, इसलिए एक विचार बन नहीं पा रहा है? देखिए, मैं राजनीतिक उसको इसमें इसलिए नहीं रंग देना चाहता हूँ क्योंकि जैनों के साथ तो बहुत सारे अन्याय बहुत सारी सरकारों में होते रहे हैं, चाहे वो पिछी को लेकर हुए हों, मोरपंखों को लेकर हुए हों, संथारा में। लेकिन हाँ, ये बात और है कि जिस सरकार के प्रति जैन समाज का लगभग 90% से भी अधिक समर्थन है, जिस सरकार के प्रति हम पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं, उस सरकार के रहते हुए अगर जैनों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो कहीं ना कहीं दुखित है हम, इस बात के लिए बहुत कष्ट हमें। हमारे समाज के बड़े बड़े नुमाइंदे हैं जो इस सरकार को बहुत गंभीरता से अपना सहयोग दे रहे हैं, पूरा जैन समाज सहयोग दे रहा है, बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा सहयोग है। हम सब जानते हैं 25% हमारा टैक्स केवल जैन समाज दे रही है, तो उस जैन समाज के साथ अगर किसी भी तरह का अन्याय हो, विशेष रूप से उसकी आत्मा वहाँ बसती है, सम्मेद शिखर वो एक तीर्थ है जहाँ हमारे प्राण बसते हैं, उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो फिर दुख होता है। करुणा, दया, क्षमा, अहिंसा, ये सारी चीज़ें जब अति को पार कर जाती हैं तो इसी आंदोलन की तरह सड़कों पर उतरते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि सरकार तक हमारी बात पहुँच तो गई है, लेकिन पहुँचने के बाद, सुनने के बाद, समझना और उस पर एक्शन लेना वहाँ की परीक्षा है कि अब इससे अगले चरण में सरकार कितनी जल्दी इन सभी चरणों को पार करती है ताकि सम्मेद शिखर की महिमा, गरिमा और वहाँ की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बचाए रखा जा सके, बनाए रखा जा सके। संजय शर्मा, दिल्ली।